भारत 2024 के लोकसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी गारंटी दी है जिसने विपक्ष की नींद उड़ाकर रख दी है। आलम यह है कि अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी परेशान हैं। मोदी ने देश को गारंटी दी है कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म में वो भारत को विश्व की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। इस गारंटी के साथ ही मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक दिया है। आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। अब यही बात विपक्ष को परेशान कर रखी है। विपक्ष जनता को बरगलाने के लिए नाम बदल रहा है और उससे भी उनकी दाल नहीं गल पा रही और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की खुली चुनौती विपक्ष को फिर से 2019 की हार याद दिला रही है। यही वजह है कि विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये तैयारी मोदी की एक गारंटी से धराशाही हो चुकी है। प्रधानमंत्री की गारंटी से जहां देश में विपक्ष परेशान है, तो वहीं खुद को सुपर पावर कहने वाले देश आज चिंता में पड़ गए हैं। वे जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले टर्म की शुरुआत से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, दूसरे टर्म में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और तीसरे टर्म में टॉप 3 में एक नाम भारत का होगा। तीसरे टर्म में भारत टॉप 3 में पहुंच कर रहेगा, ये मोदी की गारंटी है और यही गारंटी विपक्ष से लेकर कई देशों को परेशान कर रखी है। बता दें कि भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और 4थे नंबर पर जर्मनी, 3रे नंबर पर जापान, 2रे पर चीन और 1ले नंबर पर अमेरिका है। 3रे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत और ये मोदी की गारंटी है। अब कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये गारंटी पूरी हो पाएगी या नहीं।